हेलो दोस्तों, लो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जी, मैंने अभी एक लास्ट वीडियो भी डाली है अर्ली चाइल्डहुड के रिलेटेड, तो उसी कोर्स के बारे में हम थोड़ा आगे बातें करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बना देता हूँ इस टॉपिक पे। तो इसका है जी, जो अर्ली चाइल्डहुड कोर्स है जो इंडिया से स्टूडेंट लेके आते हैं, वो सिर्फ मेल्स के लिए है, वो सिर्फ बॉयज़ के लिए है, या फिर गर्ल्स भी ले सकती हैं, या फिर वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ नहीं ले सकते। तो इस चीज़ पे गाइस हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है दिमाग में लोगों के, तो मैं आज ये कन्फ्यूजन गाइस मैंने सोचा कि अलग से वीडियो बना देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, क्योंकि यही हम चीज़ों में इस चैनल पे करते हैं कि हाँ जी क्लैरिटी देना टॉपिक्स के बारे में, अच्छी अच्छी न्यूज़, अच्छी अच्छी टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन करना, यही हम इस चैनल पे करते हैं। तो जो लोग का जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो लाइक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गाइस चैनल को, वीडियो फर्स्ट मतलब जुड़े हैं अभी, तो गाइस आप भी जुड़िए और वीडियोज भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच सके, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले अगेन गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जी आज का टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड, जो कोर्स है वो सिर्फ मेल्स के लिए है, वो सिर्फ बॉयज़ के लिए है, या फिर वो गर्ल्स भी कर सकती हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, या फिर वो सिर्फ फीमेल्स के लिए और मेल्स नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। तो मैं आपको यार इस पहले बता दूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही डाला, जिसका भी कोई मेडिकल बैकग्राउंड है या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस है, इंस्ट्रक्टर है, तो भाई वो सारे इसको कोर्स के लिए ले सकते हैं, मतलब कोर्स को कैनेडा इमिग्रेशन के लिए स्टडी वीजा पे आ सकते हैं गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊँ कि हाँ जी मेन कर सकते हैं या फिर विमेन के लिए है, तो गाइस ये इसका आंसर है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई चक्कर नहीं है भाई कि हाँ जी ये सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, ठीक है। कोर्स में भी गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी बॉयज़ नहीं कर सकते, गर्ल्स कर सकती हैं, ऐसा कुछ कोर्स में सब्जेक्ट्स हैं कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं ये किसने क्रिएट की है, कैसे क्रिएट की है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज कि वो नहीं कर सकता वो कर सकता है, या वो कर सकता है वो नहीं कर सकता, भाई कुछ नहीं है, ये अफवाह है, ये सब बस बातें चल रही हैं जी मार्केट में, वो रुड़ उड़ के आ रही हैं, ठीक है, बट आप चिल मारो, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो गाइस जॉब भी मिलेगी, क्योंकि आपका स्किल सेट वैसे होगा, आप इंटरेस्ट के साथ काम करोगे, सीखोगे चीज़ों को। एंड अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर गाइस कोई फायदा नहीं, क्योंकि काफ़ी डिमांड में है ये कोर्स, तो इसलिए गाइस मैंने सोचा कि नहीं आपको ये क्लैरिटी देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका करियर एक स्टेक पे होता है कि हाँ जी कोर्स कौन सा, 30-35 हज़ार अगर लेके आ रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि हाँ जी ये मेन के लिए है विमेन नहीं ले सकती है, विमेन के लिए है मेन नहीं ले सकते, तो गाइज ये आपकी कन्फ्यूजन, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, इक्वल चांसेस हैं, तो चिल मारो जी। आप ये देखो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो चुपचाप ले लो यार, कोई चक्कर नहीं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं सुनते, ठीक है, हर चीज के लिए कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना इतनी वरी नहीं करनी यार, लाइफ है, कोई बात नहीं यार, चिल मारो, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपने फोकस करना है जो एक्चुअल में चीज मैटर करती है, जो एक्चुअल में चीज प्रोडक्टिव है, जो आपको कुछ आउटपुट देके जाएगी, ठीक है। आई नो जब हम कोर्स करते हैं हमें बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, ये ना हो जाए ये ना हो जाए, बट कई बार ओवर थिंकिंग भी फिर चीज खराब कर देती है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कोर्स आपका इंटरेस्टेड, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप उस चीज को अडॉप्ट करो, यू विल बी ग्रेट, यू विल बी डूइंग वेरी गुड, ठीक है जी। बाकी दूसरी वीडियो का जरूर देखना, उसमें मैंने काफी एक्सप्लेन किया हुआ है इस कोर्स के बारे में, जॉब पीआर स्टडी वो सारी चीजें गाइज मैंने आपको बताई हैं। बाकी इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी क्वेरीज आप पूछ सकते हो गाइस, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नायब @SENGHER, ठीक है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो गाइस अपना क्वेश्चन, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने के सून एज पॉसिबल, ठीक है जी। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ग्रेट टॉपिक अंडर डिस्कशन, जस्ट स्टे सेफ स्टे काम। बाकी मैं IRCC की स्ट्राइक जो चल रही है उस पर क्या अपडेट्स हैं, आज Day 11 है, उसमें मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, आपको पता चल जाए आज हुआ क्या, वीकेंड पे हो क्या रहा है, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर, जिन्होंने नहीं किया जुड़े रहिए, हम ऐसी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। चलो गाइस टेक केयर, बाय बाय, इंजॉय, बाय बाय।